दोस्तों, कल्पना चावला को कौन नहीं जानता। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको बता दें, कल्पना चावला अपने पूरे जीवन काल में दो बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे। अंतरिक्ष में कल्पना ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया था। लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि फरवरी 2003 में स्पेस से वापस लौटते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक हादसा हो गया और इस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि नासा जैसी टॉप स्पेस एजेंसी के साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है, और ऐसे में यह घटना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है। तो दोस्तों, क्या कल्पना चावला की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी, या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको हम कल्पना चावला की मौत की असली वजह के पीछे क्या कारण थे वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी चावला और माता का नाम संज्योति था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उनकी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। उन्हें बचपन से ही कॉपी पे एरोप्लेन की ड्राइंग बनाना और रात में तारों को देखना पसंद था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की और 1979 में वो यूएस चली गई। यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एलिंगटन से कल्पना ने 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एरोस्पेस से इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। 1988 से कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई थी। इसके बाद कल्पना का अगला कदम था नासा एस्ट्रोनॉट क्रॉप्स के लिए अप्लाई करना, और दोस्तों मार्च 1995 में कल्पना ने एरोनॉट क्रॉप्स को ज्वाइन कर लिया। नासा ने 1996 में कल्पना को स्पेस में भेजने के लिए सेलेक्ट किया, जिसके बाद 2 मई 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हुआ। इस ग्रुप में कल्पना चावला भी शामिल थी और दोस्तों ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। ये उड़ान 2 मई 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया से भरे गए थे। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला 15 दिन और 12 घंटे तक स्पेस में रहे थे। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी। इस स्पेस मिशन पे कल्पना का काम देखकर उन्हें 2000 में दूसरे स्पेस मिशन के लिए भेजने का प्लान किया गया। इस मिशन के लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 तय की गई, लेकिन स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर्स में क्रैक आने की वजह से और दूसरी भी कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये मिशन एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार डिले हुआ। फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 दूसरे क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरे थे। 16 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद जब कल्पना पृथ्वी पर लौट रही थी कि तभी जैसे ही उनके शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वो देखते ही देखते आग का गोला बन गया और स्पेस शटल और उसमें सवार 7 यात्रियों के शरीर के अवशेष टेक्सास में गिरने लगे। इस हादसे में कल्पना के साथ उनके 6 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। सबको लगा कि यह सच में वाकई एक हादसा था जिसकी वजह से कल्पना और उनके 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, लेकिन असल में 16 जनवरी 2003 को कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना की मौत का जिम्मेदार था। दरअसल दोस्तों, इस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से लेकर 2003 तक काफी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी। जाहिर सी बात है, इस वजह से ये मिशन डिले होता गया, लेकिन ये जानते हुए भी कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही थी, फिर भी नासा ने इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को इसे स्पेस में रवाना कर दिया। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 को भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 के पहले तक ये कुल 27 उड़ानें भर चुका था और अपनी पूरी लाइफ में इस शटल ने 300 दिन 17 घंटे 40 दिन और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया, और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने लंबे समय तक इस्तेमाल के आने के बाद इसमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन नासा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस स्पेस शटल को उसकी 28वीं उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया। इस हादसे का दूसरा रीजन स्पेस शटल कोलंबिया का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त उसके साथ 2 बूस्ट रॉकेट्स और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया गया था। शटल के इस फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलिन फोम से पूरी तरह से कवर किया गया था, क्योंकि इस फ्यूल टैंक में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि फ्यूल टैंक के अंदर ही हीट ट्रांसफर को रोका जा सके, और इसी वजह से पूरे फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलिन फोम से कवर किया जाता है। इसके अलावा स्पेस शटल पे भी थर्मल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या टीपीएस वो बैरियर है
जो स्पेस शटल के ऑर्बिटर को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रीएंटर करते समय 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हीट से बचाता है। इसके साथ ही साथ ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेस शटल को अंतरिक्ष में हीट और कोल्ड दोनों से बचाता है। टीपीएस पूरे ऑर्बिटर की सतह को कवर करता है। शटल के हर एक पार्ट को पृथ्वी के वातावरण में रीएंटर करते समय अलग अलग मात्रा में हीट सहनी पड़ती है और हीट की इसी मात्रा के आधार पर शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जाता है। स्पेस शटल के टीपीएस में 7 तरह के मटेरियल को यूज करते हैं जो अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इन 7 मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन पैनल होता है। इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल HRSI या हाई टेम्परेचर रीयूजेबल सरफेस इंसुलिन टाइल्स होते हैं। ये टाइल्स स्पेस शटल को 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हीट से बचा सकते हैं। इन टाइल्स का इस्तेमाल लैंडिंग गियर डोर्स, एक्सटर्नल टैंक और एम्बेलिकल कनेक्शन डोर पे किया जाता है। इन टाइल्स की मोटाई भी शटल के प्रत्येक पार्ट के अकॉर्डिंग और वहां पे पहुंचने वाली हीट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। इस तरह 5 अन्य मटेरियल को भी यूज करते हैं और स्पेस शटल पूरी तरह से थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से कवर किया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शटल के अपर पार्ट में सफेद टाइल लगाई जाती है जो री एंट्री के समय शटल को 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट से बचाते हैं और स्पेस शटल के लोअर पार्ट में डार्क टाइल लगाई जाती है जो इसको 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट से बचाते हैं। 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंट्रल से स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 81.7 सेकंड के बाद एक सूटकेस के साइज का इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया। ये टुकड़ा स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के रीइंफोर्स कार्बन पैनल से टकरा गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्पेस शटल 65,600 फीट की ऊंचाई पर था और 740 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो इसने वहां 6 से 10 इंच डायमीटर वाले होल जितनी लगी थर्मल प्रोटेक्शन टाइल को उखाड़ दिया। साथ ही इस टक्कर की वजह से लेफ्ट विंग के RCC पैनल को भी बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा। इस टक्कर की वजह से स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के 6 से 10 इंच के डायमीटर वाली जगह का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नासा को इस बात का पता लग चुका था कि शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा के मिशन टीम ने 7 क्रू मेंबर्स को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कल्पना चावला और बाकी के क्रू मेंबर्स लगभग 16 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन नासा ने उनको कभी ये पता नहीं चलने दिया कि उनकी शटल के साथ ये हादसा हो चुका है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि जब इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा शटल से टकराया तो नासा के मिशन टीम के इंजीनियर को ये लगा कि ये नॉर्मल टक्कर होगी जिसका स्पेस शटल पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सुरक्षित रीएंटर कर लेगा। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। उन्हें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पे अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 9:16 पे लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम को डी ऑर्बिट के लिए मैसेज भेजा गया। 8:10 पे क्रू मेंबर्स को वापस मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है और वो रीएंट्री कर सकते हैं। सुबह 8 बजे क्रू के चालक दल ने भी ऑर्बिट 1 के लिए स्पेस शटल कोलंबिया के 2 ऑर्बिटल मेन एवरी सिस्टम को चालू किया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटा या 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। स्पेस शटल कोलंबिया अपने 255वें ऑर्बिट पे था और इंजन को चालू करते ही इसकी स्पीड थोड़ी स्लो भी हो गई थी। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर गया था। सुबह 8:44 पर स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर था और बिल्कुल सही हालत में था। इस समय तापमान घर्षण के कारण इसका टेम्परेचर 1317 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। अगले कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई जिसके कारण शटल 57 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट साइड में झुक गया। धीरे धीरे शटल के लेफ्ट विंग की जगह होल हो गया और एटमॉस्फेरिक गैसेस शटल के अंदर तेजी से घुसने लगे। इसकी वजह से स्पेस शटल के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो गया और शायद उस समय सारे क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए थे, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो स्पेस सूट के हेलमेट को भी बंद कर सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।